फ्लोर पे आने के बाद आपको बच्चों को खेलने के लिए बहुत है, जिसे आप टाइम जोन भी बोल सकते हैं। और यहाँ मुझे दो तीन गेम मैंने ऐसे देखा, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। तो मैं बस कुछ ही देर में आपको उस टाइम जोन में लेकर चलने वाला हूँ, जहाँ आप अपने बच्चों के अपने किड्स के लिए नए नए गेम का मजा ले सकते हैं। पर कि मैं टाइम जोन के जस्ट बाहर आ चुका हूँ, और ये है पूरा हमारा टाइम जोन। मैं इस सभी गेम के अंदर एंट्री करूंगा और यहाँ आपको फैसे बहुत ऐसे गेम दिखाऊंगा जो छोटे बच्चों को बहुत ही अच्छा रहता है। और आप गाइस देख पा रहे हैं, ये थर्ड फ्लोर का टाइम जोन एरिया है। यहाँ आप अपने बच्चों के लिए छोटे से छोटे गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, अभी हम लोग मैडम यहाँ पर कॉइन्स डालती हैं। इस कॉइन्स के जरिए से हम आप देखेंगे क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। इस गेम को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक स्वाइप टिकर दिया गया है, जो ऑटोमेटिक इसके अंदर रेफर होगा, और रेफर होने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कैन होने के बाद आपका टिकट काउंटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप कुछ ही देर में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर रोबोट के जरिए से ये पूरा गेम अनलॉक हो चुका है, और यहाँ से आप इसे गेम को चला सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर गेम को रनिंग कर चुके हैं। तो जैसे ही ये दोबारा स्वाइप खत्म होगा, फिर हमें दोबारा यहाँ से स्वाइप को निकाल कर फिर भी उसे अनलॉक करना पड़ेगा। जब तक ये इसमें स्वाइप रहेगा, यहाँ से आप इसे हैंडल के जरिए से गेम को रीओपन कर सकते हैं, या फिर इसे अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर ये दोबारा अगर लॉक हो जाता है, तो फिर आपको इसे दोबारा जरिए से आप दोबारा कॉइन्स को डालेंगे, और कॉइन्स को डालने के बाद ये दोबारा फिर गेम दोबारा ये गेम अनलॉक होगा। यहाँ पर देख पा रहे छोटे से बच्चे अपनी मम्मी को स्वाइप दोबारा दे रही है, और मम्मी ने यहाँ पर स्वाइप को खोला, उसके बाद दोबारा ऐसे ही लॉक होगा, इसमें स्वाइप टिकट डाला जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे कि मैडम ने अभी स्वाइप टिकट डाला, और डालने के बाद यहाँ पर दोबारा ये मशीन में काउंट होगा कि आपने कितना स्वाइप डाला। फिर इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर दोबारा से गेम रनिंग होगा। टिकट खत्म होने के बाद गेम ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, और इसे दोबारा अनलॉक करने के लिए यहाँ से हम टिकट को डालेंगे। यहाँ आप देख पा रहे ऊपर काउंटर मशीन भी चल रहा है कि आपके अंदर मतलब एक मशीन के अंदर कितना टिकट पहुंचा। और यहाँ पे क्या जितने भी ये सारे गेम है सब चाबी से मैनुअल किया जाता है, या कार्ड के जरिए से इसे चलाया जाता है, क्योंकि जब तक इसमें अमाउंट पे नहीं होगा तब तक ये गेम स्टार्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके का गेम है यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए। और ये टाइम जोन का एक नया अलग अलग गेम है जो अपने बच्चों को खेलने के लिए है। यहाँ कैसे देख पाए टाइम जोन का एक नया एरिया आ गया जो छोटे बच्चों के लिए। और जैसे ही हम यहाँ पे अपना चाबी को मैनेज करेंगे, तो यहाँ से हम ट्रिगर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और इस बटन से इसे ऑन भी कर सकते हैं। ये पूरा घूमने लगेगा, क्योंकि ये इसका एक बास्केट इधर से आएगा, फिर यहाँ से ओपन करके बाहर आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा गेम का पूरा डिजाइन किया गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस एरिया टाइम जोन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ, यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टीयरिंग है, दोनों स्टीयरिंग को मैं चला सकता हूँ, और ये गाड़ी का अंदाज तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक लेजर गन है, इस लेजर गन से हमारे जो डिस्प्ले में शो होगा, हमें खुद से बचने के लिए आग में रह के बहुत से ऐसे डेंजर जानवर आएंगे, उनसे बचने के लिए हम अपने डेंजर गेम को यूज करेंगे। ये बच्चा बता, मुझे गेम बहुत ही अच्छा लगा, बस कुछ ही देर में ये गेम हम खेलने वाले हैं। और ये इस गेम का पूरा डिस्प्ले है, जहाँ आप देख पा रहे हैं जो 500 टिकट का 500 टिकट है। ये टिकट लगाने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और ये इसका फंक्शन इधर का हो गया और ये इसका इधर हो गया। यहाँ से टिकट को लगाने के बाद यहाँ से आपका पूरा गेम स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप पूरे डिस्प्ले में 3D एनिमेशन में अपने गेम को शो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाइस इसके, और अभी यहाँ आपको नए नए गेम नजर आएंगे। और ये रहा चॉकलेट के लिए, जो अंदर इस तरफ से चॉकलेट आता है और बाहर की तरफ जाता है। यहाँ पे देख पा रहे कि सामने आपको पूरा व्यू नजर आ रहा है, जो पूरे चॉकलेट पूरा राउंड में घूम रहा है, और जो चॉकलेट इधर से एक्स्ट्रा होता है वो ऑटोमेटिक इसके नीचे बाल साइड में गिर जाता है। ये पूरा मिक्सअप चॉकलेट है जो 1 by 1 करके आता है। और यहाँ आप घोड़े की दौड़ भी लगा सकते हैं, यहाँ घोड़े की दौड़ लगाने के बाद आपको कई तरीके का डिमांड मिलेगा। यहाँ दो भाई और दो फ्रेंड यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है, जो 9 नंबर उसके सीट बेल्ट। स्टार्ट नाउ मल्टीपल लेयर। इसका और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख पा रहे कि फुटबॉल का जंपिंग हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे कि फुटबॉल का जंपिंग है बहुत बेहतरीन। यहाँ पे अगर फुटबॉल अंदर चला गया आपको 1 point काउंट होता है। यहाँ देख पा रहे कि मैडम ने अभी फुटबॉल की काउंटिंग शुरू कर दी है। और ये तो 47 लग रहा है।
यहाँ हम ट्रिगर को सेट करके उसके अंदर फुटबॉल में जो दिखा गया है उस बंदों का मेजर सेट करेंगे, और यहाँ से इसका प्लानिंग ओवर है, इसके जरिए से हम पूरा मैनुअल कर सकते हैं अपने शीशे को। और इस गन से मुझे उस शीशे पे निशान लगाना है जो प्लास्टिक का शीशा यानी पूरा रैबिट बना हुआ है। कैरम बोर्ड के अंदर बहुत सारी गोटियां रहती हैं, और यहाँ पर देख पा रही जो डिस्प्ले शो हो रहा है आपको, इसमें सिर्फ एक गोटी है और दो ऑपरेटर रहेंगे। जब तक दो ऑपरेटर रहेंगे नहीं रहेंगे इसमें ये गेम पूरा रनिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ एक गोटी के जरिए से पूरा ओपन किया जाएगा, और जैसे ही आप इस गोटी अगर बाहर गिर जाती है तो ऑटोमेटिक आपकी गोटी फॉल होगी क्योंकि इस पर स्कैन नहीं करेगा। और यहाँ देख पा रहे दो बंदे मिलकर ऑटोमेटिक इस पर एक गेम को रनिंग कर रहे हैं। और क्या इसका टाइमिंग एंडिंग होता है ये गेम ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज हो जाएगा क्योंकि जो उसका जो बाउल है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक चला जाता है। तो हम बढ़ते हैं इसके और आगे और आपको छोटे छोटे बच्चों का गेम दिखाते हैं। ये भी एक बहुत ही कैरम बोर्ड की तरह छोटा सा गेम है, और ये वाटर वाला गेम है जो वाटरफॉल सारे 3D एनिमेशन में गेम चल रहा है। और ये वाटर गेम है आपको बहुत बेहतरीन लगेगा जो वाटर गेम यहाँ पर पूरा 3D एनिमेशन में ये पूरा वाटर गेम है। और जैसे ही आप इतनी बार ये पूरा हॉर्स यानी घोड़े वाला गेम है, जैसे वन बाय वन एक घोड़ा अपना ऊपर जंपिंग होगा और इसके बाद आपको आगे मैं आगे चलूंगा जो क्योंकि अभी ये फाइनल वन ही है। ये सारा गेम आपको 3D एनिमेशन में शो होगा, और ये वाटर गेम है जो इसके नीचे आपको पानी नजर आ रहा है क्योंकि जो पानी गिर रहा है वो इन सारे रहने के ऊपर गिर रहा है, वो ऑटोमेटिक पानी को दोबारा रिप्लेस होकर पाइपों को दोबारा इसी गन में आ रहा है रिप्लेस होकर। ऐसा मुझे लगता है कि जो मैंने बचपन में गेम खेला था स्टूडियो जमीन हुई वही गेम रश हो रहा है जो आई वॉल के नाम से है। और ये गेम है आपको मछली से फंसाने का, सामने आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से आप इधर जंप कर सके, यहाँ से आप मछली को फंसा सकते हैं। यहाँ गाइस देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं ये इस टावर को ओपन कर रहा हूँ यहाँ से ये पूरा वाइपर पूरी तरीके से जो उसका सिस्टम है ये पूरी तरीके से कंट्रोल काम कर, क्योंकि ये सारा जो गेम है ये पूरा 3D गेम है, इसे आप लाइव खेल सकते हैं। हम तो बहुत से गेम मोबाइल में खेलते हैं बट ये वहां पर बहुत बिगिन फंडा के नाम से रहता है जिसके जरिए से हम यहाँ से इसे मैनुअल कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ से कर सकते हैं तो यहाँ से हमें मछलियाँ मिलने के बाद यहाँ से हम इसे खेल सकते हैं। और यहाँ पे गाइस जो हम जिम में जो हम जिम करने के लिए रनिंग करते हैं यहाँ पर ये ऐसे हम रनिंग पॉइंट भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ से हम जैसे इन चाबी से करेंगे यहाँ से स्टार्ट क्लिक करेंगे ये सारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके आगे आपको और सभी बहुत सारा गेम मिलेगा बट मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है तो मैं आपको टाइम जोन का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा गेम का पूरा डिटेल दूंगा। तो मतलब इसमें जो और भी जो गेम है जैसे आपका टेनिस हो गया, बॉल हो गया और हथौड़े वाला गेम हो गया, इसके आगे बहुत सारा गेम है। तो मिलते हैं हम टाइम जोन के नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे और ब्लॉग देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बॉल को फेंकेंगे, अब बॉल को फेंकने के बाद इसका जो अगर सारा बॉल अगर नीचे गिर गया तो जीत होगी नहीं, तो यहाँ था डिस्प्ले में देख सकते हैं कि डिस्प्ले में कितना हमारा लॉस हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो यहाँ था टीम चेंज हो चुकी है, अगले टीम में अब तक तीन पेंडिंग में रह गया उसके बावजूद भी हुआ नहीं। चले जाएंगे तो एक चार